अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है बहुत सारी चलती वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक 11 kg की है। जो बहुत से लोग होते हैं जो समझ नहीं सकते, नई मशीन ले आते हैं और उनको ये समझ नहीं उस कौन किसी को, ये बिल्कुल ही आसान मशीन है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ना। सबसे पहले आपने करना है ऑन, ठीक है। ऑन करने के बाद ये सारे ऑप्शन हो रहे ना, तो आप अगर इसमें स्पिन दबाना चाहेंगे तो वॉश करना चाहेंगे तो सबसे पहले वॉश का दबाएंगे, वॉश की टाइमिंग आती है, साथ में रिंस भी दबाएंगे तो रिंस भी ऑप्शन शो हो रहा है। इसके बाद आप स्पिन भी दबा देंगे तो ये हो गया स्पिन का भी दबाना। आप चाहते हैं कि स्पिन हम कितने टाइम इसमें चलाना चाहेंगे ना, उतनी शो करेगा ये। 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6, 7, 8, 9, 10। आप जितनी दफा दबाते जाएंगे उतनी जाएगा, इसके बाद ये स्पिन ऑफ हो गया, आप उसको 1 टाइम पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल पर रखेंगे तो नॉर्मल के ऑप्शन शो करेगा, कोई देखेंगे कोई पीस की टाइमिंग कम होती है। इस तरह शॉप से जीन्स ब्रैकेट जिस पे भी रखना चाहेंगे तो उस पे चलाएंगे। बेसिकली हम नॉर्मल चलाते हैं और क्विक चलाते हैं, ज़्यादा कपड़े गंदे हो तो हम इसको नॉर्मल में चलाते हैं, अगर थोड़े बहुत हो तो इसको हम क्विक पे चलाते हैं। अभी हम इसको क्विक पे चलाएंगे, ठीक है। सब ऑप्शन दबाने के बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट का बटन दबाना है, ये स्टार्ट, ठीक है। ये देखिए हमारी ये मशीन चल गई, अंदर से चलना शुरू हो गई। अब ये वोटर लेंगे, वोटर का बटन यहाँ से हमें ऑन किया हुआ है, वोटर की लाइन जा रही है। बेसिकली यहाँ हमारे वोटर लगे हुए हैं, ये वोटर ले रही है, ठीक है। जब हमारी वोटर पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना तो ये इसने वॉश पे जाना है, वॉश की टाइमिंग पूरी होने के बाद रिंस पे जाना है, इसने फिर स्पिन करना है। स्पिन के लिए बेसिकली हमारे इसमें मोटर लगी होती है साइड में यहाँ पर, तो ये चीज़ को हमेशा 2 से 2.5 फीट ऊपर रखना होता है ताकि पाइप हमेशा नीचे रहेगा तो पानी धमाक नीचे निकल जाती है मोटर पे, इसके लिए वॉल लगी जाती है। जो इसको नीचे करेंगे तो डायरेक्ट हो जाती है, इसको ऊपर रखेंगे तो मोटर प्रेशर से खुद ही निकाल देती है मोटर हमारे।